हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है एक माइक्रोफोन की फ्रेंड्स, जिससे आपकी ऑडियो हो जाती है बहुत क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बोया का BY-M1 माइक की माइक्रोफोन के बारे में। तो देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके साथ क्या क्या कंटेंट हमें मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास है बोया का BY-M1 माइक जो कि पाउच में है, और मैं इसे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, एक बार, ये बोया का BY-M1 माइक है फ्रेंड्स, और इसकी वायर जो है वो बहुत ही लंबी होती है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसी माइक का यूज़ करते हैं क्योंकि ये माइक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है। इसे लगाने के बाद आपकी जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अभी मैंने कोई माइक नहीं लगाया हुआ है फ्रेंड्स, और मैं अभी इसका ऑडियो टेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक मैं जो वीडियो बना रहा था वो भी बिना माइक के ही बना रहा था, लेकिन अब इसके बाद मैंने फाइनली परचेज़ कर लिया है बोया का BY-M1 माइक, और इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे लगा के देख लेते हैं। पहले लगा के देखने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको यहाँ पे एक स्विच मिलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से अगर आप पकड़ेंगे तो इसमें आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है कैमरा लिखा हुआ, नीचे की तरफ मिलता है ऑफ प्लस स्मार्टफोन। तो आपको इसे स्मार्टफोन पर कर लेना है नीचे की साइड में, उसके बाद ही ये हमारा वर्क करने वाला है हमारे स्मार्टफोन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसे मैं हैंग कर लेता हूँ अपनी यहाँ पे शर्ट पर, ताकि ये प्रॉपर हमारी वॉइस को ले सके। और अभी मैं इसे अटैच कर देता हूँ फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अटैच कर दिया अपने स्मार्टफोन में। फ्रेंड्स, अगर आपको पता चल पा रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे ऑडियो क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और आगे से मैं सारी वीडियोज इसी क्यों लगा के बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसकी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, क्या क्या कंटेंट हमें इसके साथ मिलने वाले। ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट तो आई थिंक इसी वीडियो में हो गया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, किस चीज़ की अनबॉक्सिंग मैं आपके लिए लेकर के आ सकता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी अनबॉक्सिंग, नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मिलते हैं वीडियो के लिए एंड में। तो दोस्तों, देखते हैं बोया BY-M1 की अनबॉक्सिंग, और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें मिला है एक बैग, कैरी बैग इसे हम लोग बोलते हैं, और बहुत अच्छा पाउच है, बोया का ब्रांडिंग इस पर हुई भी है। और एक ये सॉकेट हमें इस पर मिला है, जिसे रख देते हैं साइड में, इसे रख देते हैं साइड में फिलहाल, और अभी बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या और मिलने वाला है इसके साथ। दोस्तों, बॉक्स में हमें मिला है एक वारंटी कार्ड जो कि अनफील्ड है, जब मैनुअल गाइड भी आपको इसमें मिल जाती है दोस्तों। या ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉक्स को और यूज़र मैनुअल को हम लोग रख देते हैं साइड में। बात करते हैं मेन कंटेंट की फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है अंदर इस पाउच में। पाउच में मिला है दोस्तों हमें बोया का एक माइक, और इसे करके देख लेते हैं अनबॉक्स। ये वो सॉकेट है फ्रेंड्स जिसकी मदद से आप इसे एम्पलीफायर वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो इस माइक को, ठीक है। तो ये स्विच हमारे काम आने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन पे यूज़ करने वाले हैं माइक को, और स्मार्टफोन पे 3.5 mm जैक का ही यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको एक स्विच दिया गया है। स्विच के साथ आपको ऊपर की साइड में देख पा रहे होंगे कैमरा, और नीचे आपका लिखा हुआ है ऑफ और स्मार्टफोन, यानी अगर आपको बंद करना है और ये स्मार्टफोन पे करना है तो नीचे की साइड करेंगे। यानी ध्यान रखें दोस्तों, जब आप इसे स्मार्टफोन पे यूज़ करेंगे तो आपको ये स्विच नीचे की तरफ रखना है स्मार्टफोन पे, और अगर आप DSLR वगैरह पे आप लोग इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑडियो की, तो आपको फिर ये कैमरे की तरफ कर देना है फ्रेंड्स। इसमें हमें मिल जाती है बैटरी, क्योंकि ये जब हम DSLR पे इस माइक को यूज़ करते हैं तो बैटरी उसमें काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी मैंने पहले इंसर्ट कर दी थी, तो ये बाहर मिलती है वैसे बॉक्स में। इस बैटरी को आप इंसर्ट कर देंगे इसमें, और फ्रेंड्स आपने देखा होगा, आप बोया M1 माइक खरीदते हैं तो वो आपके जो स्मार्टफोन पे कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्मार्टफोन पे प्रॉपर कनेक्ट करना है तो मैं उसके लिए भी आपके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल का कैमरा होता है वो एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट ही नहीं करता है, अलाउ ही नहीं करता है सपोर्ट करने के लिए। माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा नाम की एप्लीकेशन जो है आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे ओपन कैमरा। ओपन कैमरे की एप्लीकेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, और इसे टाइप करने के बाद हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल्ड है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ मेजर सेटिंग्स होती हैं जो हमें इसके बाद करनी होती हैं। ऊपर सेटिंग्स का लोगो आ रहा है, सेटिंग्स के लोगो पे जब हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमें चूंकि वीडियोज़ की सेटिंग करनी है, आप देख पा रहे होंगे फोटो सेटिंग्स और वीडियो सेटिंग्स। वीडियो सेटिंग्स पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें नीचे जाना है फ्रेंड्स, और आपको देख लेना है ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स पे जब हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ऑडियो सोर्स पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कैमकॉर्डर पे आता है, लेकिन कैमकॉर्डर पे हमें नहीं करना है फ्रेंड्स।
बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो कैमकॉर्डर पर आएगा। इस पर इसको आपको क्लिक कर देना है एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है हमें। तो बस फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अभी आपका फ़ोन रेडी है एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट। तो फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स तो एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर और किस गैजेट का हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।